माई एवरी वन दिस इज़ नेहाम भल्ला रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड हमारी आज की वीडियो में आ, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आई आर सी सी कॉलिंग कि आप आई आर सी सी को कैसे कॉल कर सकते हैं इन साइड कैनेडा है तो कैसे कॉल करना है आउटसाइड कैनेडा है तो कैसे कॉल करना है एंड वट टू एक्सपेक्ट जब आप आई आर सी सी को कॉल करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं एंड नेक्स्ट थिंग अगर आप ने किसी एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगाई है एंड दे आर नॉट शेयरिंग यू योर लॉग इन डिटेल्स उस केस में भी आप आई आर सी सी कॉलिंग कैसे कर सकते हो एंड इन केस आई आर सी सी कॉलिंग आपके लिए नहीं वर्क कर रही है तो वट आर द डिफरेंट वेज जो आप यूज कर सकते हो आई आर सी सो कॉन्टैक्ट करने के लिए तो टू नो मोर अबाउट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल स्टार्टिंग फ्राम आर सी सी कॉलिंग सो नंबर क्या है जिस पर आपको आई आर सी सी को कॉन्टैक्ट करना है तो ये जो बिलो नंबर है दिस इज़ द नंबर ऑफ प्लस वन एट 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 टू फोर टू टू वन जीरो जीरो दिस इज़ द नंबर जिसपे आपको आईआरसीसी को कांटेक्ट करना है कांटेक्ट किस लिए करना है जैसे आपको नहीं पता आपके एप्लीकेशन के बारे में क्या चल रहा है आपने किसी एजेंट के थ्रू फाइल लगाई है एंड आपके पास लॉग डिटेल्स नहीं है आपको नहीं पता कि आपके फाइल का स्टेटस क्या है तो आपको चेक करना है तो उस केस में आप ये नंबर आई को कॉल कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल का स्टेटस क्या है सो एज़ इट्स अ रेगुलर जॉब एंड वी मेक सो मेनी कॉल्स टू आई सो आई कैन प्रोवाइड यू सम विद सम गुड टिप्स कि कैसे कॉल करना है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सो आइडियली जो है इस नंबर पे कॉल जो है इट शुड बी फ्रॉम इन साइड कैनेडा ओनली सो दिस नंबर इज ओनली फॉर इन साइड कैनेडा एप्लीकेट ओनली आइडियली बट येस आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल फ्रॉम मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स इन इंडिया वट दे डू इज दे हैव एन हैल्सो कॉल आई आर सी सी एट दिस पर्टिकुलर सेम नंबर ओनली बट हाउ डू दे डू इट सो आई हैव सीन पीपल यूजिंग एन ऐप विच इज नोन एज टेक्सड नाउ दे यूज दिस ऐप टू कॉल एट दिस नंबर फ्राम आउटसाइड कैनेडा टू चेक दी स्टेटस ऑफ देर एप्लीकेशन एंड एब्सल्यूटली फ्री ऑफ चार्ज ओके तो जब आप आई आई सी सी को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है वन इज़ एक ऑटोमेटेड मैसेज होता है खाली आप वो सुन सकते हो इट्स जस्ट अ ऑटोमेटिक मैसेज आपसे कोई एजेंट नहीं बात करेगा ऑटोमेटिकली वो आपको बस स्टेटस बता देगा आपकी फाइल का सो so, इस केस में क्या होता है इट्स एन ऑटोमेटेड सर्विस बेसिकली ट्वेंटी फोर आर्स अ डे सेवन डेज अ वीक ऑपरेशनल होती है ये सर्विस जिसमें आपका प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है अबाउट द स्टेटस ऑफ योर फाइल जो सिंपली आपके पोर्टल में अकाउंट में होगा स्टेटस आपकी फाइल का उस उस स्टेटस को ही जस्ट uh, आपको पढ़ के सुना देगा वो सो यू आर नॉट टॉकिंग टू एनी

तो उसमें क्या है ये सर्विस 24 फोर आवर्स सर्विस नहीं होती इट्स जस्ट मंडे टू फ्राइडे एंड एट एम टू फोर पी की सर्विसेज होती है ये एंड स्टैचूटरी हॉलीडेज जो होती है उन पे भी अवेलेबल नहीं होती बिकॉज यू नो इट्स डिपेंडेंट अपॉन एजेंट कि कब वो वर्क कर रही है सो इट्स एज पर देयर टाइमिंग्स राइट नॉट लाइक प्री रिकॉर्डेड मैसेज कि आपने कभी भी कॉल किया और उन्होंने पिक कर लिया एंड वन मोर थिंग आप एजेंट से जो बात करते हैं आप उनसे स्टेटस पूछ सकते हैं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज वो वही स्टेटस पताएगी जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज बताता है जो आपकी जो उनको स्टेटस दिख रहा है आपकी फाइल में वही बताएंगे ये एजेंट्स जो है जिनके पास अथॉरिटी नहीं है टू टेक एनी डिसीजन ऑन देयर फाइल्स वो आपकी फाइल पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना वो डिसीजन लेने वाले हैं आपकी फाइल पे नीदर दे कैन हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग ऑन द फाइल दे नॉट टेल अबाउट की क्या डिसीजन होने वाला है फाइल में uh, वो सिर्फ ये बता देगी इस स्टेप पे है आपकी फाइल राइट एंड ऑल्सो ना ही वो किसी फास्टर प्रोसेसिंग में हेल्प कर सकते हैं तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कॉल कर लूँ आई आर सी सी को एंड उनको रिक्वेस्ट करूँ कि मेरी ये ये कंडीशन है ये सिटुएशन है सो so प्लीज़ आप प्रोसेसिंग फास्टर कर लो सो नो इन नो वे दे कैन फास्टर योर प्रोसेसिंग टाइम्स प्रोसेसिंग टाइम्स वही रहेगा जो एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ आपको स्टेटस बता सकते हैं फाइल पे बट दे कैन नॉट हेल्प यू फास्टर योर प्रोसेसिंग टाइम एंड ना ही वो डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं आपकी कि क्या डिसीजन होगा ना ही वो डिसीजन ले सकते हैं उस फाइल पे एंड जब भी आप आई को कॉल कर रहे हैं सो मेंटली बी प्रपेयर टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स सो मेंटली बी प्रिपेयर टू वेट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एटलीस्ट एट लिस्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स वेट आपको करना पड़ेगा टिप्स ये है या तो ट्राई कॉलिंग इन मॉर्निंग टाइम जैसे अगर उनका टाइम ए एम टू फोर पी एम है सो ट्राई कॉलिंग ड्यूरिंग ए एम टू नाइन पी एम स्लॉट क्योंकि एज सो एज दे ओपन उस टाइम पे इनफ्लो call, कॉल्स जो है वो कम होती है सो इट्स बेटर टू ट्राई कॉलिंग देम एट दैट टाइम ए एम टू नाइन पी एम टाइम एंड ऑल्सो वन मोर सजेशन अगर आप एक नंबर से ट्राई कर चुके हैं उनको कॉल करना दस पंद्रह बार आपने कॉल कर लिया है उनको सो इट्स बेटर नाउ डोट यूज दैट नंबर किसी और नंबर से ट्राई करिए कॉल करना वेन एल दम फर्स्ट ऑप्शन तो आपको वो प्री रिकॉर्डेड मैसेज वाला ही देगा आप प्री रिकॉर्डेड आपने मैसेज सुन लिया है उसके बाद इट विल गिव यू फर्दर ऑप्शन एंड एट द एंड इट विल गिव यू एन ऑप्शन की अगर आपको किसी एजेंट से बात करनी है सो यू कैन प्रेस जीरो एंड देन ओनली आपका वेट टाइम वो शुरू होगा आफ्टर प्रेसिंग दैट ऑप्शन दैट गेस यू वॉन्ट टू टॉक टू एन एजेंट देन इट विल पुट यू इन लॉन्ग क्यू फॉर थर्टी टू फोर्टी मिनिट्स एंड समाइम्स most of the times it give you an option that uh, this much approximately this much is your wait time and uh, also it gives you an option that we will call you back so if you don't want to hold for that much time and if you want uh, ircc to call you back so then you can choose that option also and then you will receive a call back so that's a very good option अगर वो आपको ऑप्शन देता है कॉल बैक का टेक इट दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन बट यस ओनली फॉर इनसाइड कैनेडा अपप्लीकेंस अगर आप आउटसाइड कैनेडा किसी ऐप से कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉल बैक का ऑप्शन नहीं वर्क करें एंड येस जब आप उनको कॉल करते हैं सो ऑलवेज बी रेडी विद योर डिटेल्स आपकी फाइल का यूसीआई नंबर क्या है एप्लीकेशन नंबर फाइल नंबर क्या है डेट ऑफ बर्थ सो ये डिटेल्स अपनी रेडी रखिए बिकॉज दीज डिटेल्स विल बी आस्ड वैन यू कॉल देम एंड ऑल्सो इफ़ यू आर कनेक्टेड टू एजेंट आपकी उनसे बात हो जाती है एंड आपके कोई फॉलो अप क्वेश्चन है जिसके लिए यू थिंक आपको बाद में दोबारा आई आर सी सी को कॉल करना पड़ सकता है सो इट इज इम्पॉर्टेंट वेन यू आर टॉकिंग टू टू टॉकिंग टू एन एजेंट तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए नोट डाउन कर लो फ्यू डिटेल्स लाइक आपने कब कॉल किया था किस टाइम पे कॉल किया था नेम ऑफ द एजेंट जिससे आपकी बात हुई थी एंड क्या बात हुई थी कि तो एजेंट ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जस्ट नोट डाउन दीज डिटेल्स फॉर योर रेफरेंस आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू रियली गेट एंशियस जब आपका एजेंट आपको डिटेल्स नहीं देता एंड यू आर वेरी एंशियस टू नो कि क्या अपडेट्स चल रहे हैं मेरी फाइल पे क्या स्टेटस होगा

राइट सो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन इज आपको आईआरसीसी को कॉल करें एंड वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे सो द बेस्ट ऑप्शन इज रेज अ वेब फॉर्म सो आप एक वेब फॉर्म रेज कर सकते हो सो आई पुट द लिंक बिलो सो आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हो वेब फॉर्म खाली इसलिए नहीं आप डिफरेंट और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो थ्रू वेब फॉर्म्स यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक सपोज आपने कोई एप्लीकेशन अप्लाई करी एंड उसमें एक डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गया सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आई आर सी टेलिंग दैमा की मेरा यह डॉक्यूमेंट रह गया है मैं क्या करूँ राइट सो इंस्टेड ऑफ ऑल दो थिंग्स वट यू कैन डू इज यू कैन डू इज अब फॉर्मार्म एंड इन दट एक्सप्लेन यूर सिचुएशन दट यू मिस दिस डॉक्यूमेंट आप वेब फॉर्म के थ्रू वोट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड कर सकते हो आई आर सी सी को एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर चेंजेस इन योर लाइफ लाइक सपोज एड्रेस चेंज सपोज योर मैरिटल स्टेटस चेंज और अ न्यू बेबी बॉर्न सो एनी ऑफ एनी ऑफ चेंजेस इन योर सिचुएशन आपको इन्फॉर्म करने आई आर सी सी को दिस ऑल्सो यू कैन डू थ्रू द वेबार्मल्सो नाउ डेज आई आर सी सी हैज कम अप विद व वेरी गुड थिंग दैट इज अनलाइन ट्रैकर्स सो so, ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन ट्रैकर्स हैं जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो करेंटली वी हैव ट्रैकर्स आई पोज द लिंक सो करेंटली वी हैव ट्रैकर्स फॉर पी आर ट्रैकर्स आपकी परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन है उसका ट्रैकर है स्पाउजल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन का ट्रैकर है पी आर कार्ड आना है उसका ट्रैकर है पीआर आर कार्ड रिन्यू होना है सो वी हैव ऑनलाइन ट्रैकर्स फॉर दिस सो यू कैन लॉग इन एंड यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन ऑफ कॉलिंग आई आर सी सी तो आई होप मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा आपकी कंफ्यूजन सॉल्व करी होगी लाइक like किस सिचुएशन में आप आई आर सी सी को कॉल करना बेटर है या वेब फॉर्म रेस करना बेटर है या ऑनलाइन ट्रैकर से अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करना बेटर है सो इफ इन एनी केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इट हेल्प यू सो प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज हम और ऐसी वीडियोज लेके आएंगे रिगार्डिंग कैनेडन इमिग्रेशन